सबका सपना होता है डॉक्टर बनना पर डॉक्टर कैसे बने ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और आज हम अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेल्थ के लिए और नीट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएंगे आप देखते रहें तो so, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस के बारे में तो आपको पता होगा कि डिवाइसेस का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट यंत्र जिसे हम कहते हैं तो प्लांट जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करता है अपने अंदर एक डिवाइस डेवलप करता है जो कि आ, उस डिवाइस का मेन यूज होता है कि प्लांट चाहता है कि मेरे अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो कभी भी वो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहता है तो प्लांट ऑलवेज वॉन्ट टू क्रॉस पॉलिनेशन तो क्रॉस पॉलिनेशन को करने के लिए प्लांट एक ऐसे डिवाइस को डेवलप करता है उस डिवाइसेस का नाम होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तो आउटब्रीडिंग डिवाइस डेवलप बाय द प्लांट इट प्लांट खुद ही डेवलप करता है टू करेज द क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट हमेशा चाहता है कि हमारे अंदर चेंजेस हो क्रॉस पॉलिनेशन होगा जैसे मैंने पॉलिनेशन अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पॉलीनेशन होगा तो उसमें चेंजेस होगा चेंजेस प्लांट चाहता है हर कोई चेंजेस चाहता है अपने लाइफ में तो प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो भी चेंजेस चाहता है तो चेंज कैसे होगा उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के वजह से होगा और क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा आउट बिल्डिंग डिवाइसेज से होगा तो प्लांट डेवलप डिवाइसेज विच करेज द क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन सो अगर मान लीजिए कि प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू रहे तो दे लीड्स टू द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन उसकी प्रोडक्टिविटी और आ, जो कैरेक्टर है धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगी दैट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देफ द प्लांट इज ऑलवेज वॉन्ट टू क्रॉस पॉलिनेशन दे डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन तो प्लांट जो होता है डिस्करेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को तो देखते हैं कि आ, प्लांट जो होता है आ, इसमें आ, जो <coughs> तो, तो प्लांट डेवलप मैनी डिवाइस टू करेज द क्रॉस पॉलिनेशन तो प्लांट चाहता है कि उसमें यूनिसेक्सुअल हो जाए अगर मान लीजिए फ्लार है तो उसमें या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है कोई एक पार्ट है तो मान लीजिए मेल पार्ट में मानता हूं तो मेल पार्ट है तो कहीं किसी और पे जाके स्टिक होगा तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन मान लीजिए कि कोई इसमें फीमेल पार्ट है तो कोई दूसरा आके स्टिक होगा दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन फिर दूसरा है मेच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन एट द डिफरेंट टाइम मान लीजिए फ्लार में मेल भी पार्ट है और फीमेल पार्ट है बट मेच्योरिटी डिफरेंट टाइम पे हो रहा है uh, पहले मेल मेच्योर हो जा रहा है फिर फीमेल मेच्योर हो रही है तो इस इसपे मेल मेच्योर होकर इस पर तो स्टिक तो होगा बट फर्दर पॉलीनेशन नहीं होगा क्योंकि फीमेल मेच्योर नहीं है तो कहीं दूसरे जगह जाएगा तो दूसरे जगह जाएगा तो उसके अंदर हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा डिस्टेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर वेरी फार टू ईच अदर अगर मान लीजिए फ्लार है मेल और फीमेल बहुत दूर दूर है तो उसमें भी चांसेस है कि उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो सके सो दिस इज ऑल अबाउट द आउट ब्रेडिंग डिवाइस और भी हम देख लेते हैं एक होता है सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी सेल्फ इनकोम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है ये होता है कि मान लीजिए फ्लार है और ये मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है तो मेल पार्ट इसके ऊपर स्टिक हो रहा है मेल uh, और फीमेल पार्ट दोनों ही एक टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं बट मेल और फीमेल पार्ट इसके ऊपर जो मेल का एंथर है पॉलिन है इसके ऊपर किसी भी वजह से जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है फर्दर पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट नहीं हो पा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकोटेबिलिटी तो ये मेनली जेनेटिक के वजह से होता है जीन के एबनॉर्मलिटी के वजह से होता है तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आया है कि सेल्फ इनको सेल्फ इनकोम्पेटेबिलिटी इज ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मलिटी सो दिस इज ऑल अबाउट द आउट ब्रीडिंग डिवाइस नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन देखिए नाम से ही पता चल रहा है पोलन का मतलब होता है पोलिन क्रीन पिस्टल का मतलब होता है ये पूरा पार्ट जो मैंने बनाया है ये वाला सो दिस इज कॉल्ड पिस्टल सो द पिस्टल कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा दिट इज द आउटर मोस्ट पार्ट देन स्टाइल देन ओवरी एंड ओव्यूल सो दिस इज ऑल पिस्टल ये सारे पिस्टल है हमारे तो पिस्टल इज मेड अप ऑफ पर्टिकुलर केमिकल लाइक मैं मान लेता हूँ ये केमिकल ए बी सी है और ये पोलिन ग्रीन है तो इसमें भी ए बी सी केमिकल है तो अगर केमिकल कंपोजिशन यहां पे देख रहे हैं कि पिस्टल का केमिकल कंपोजिशन इज इक्वल टू द पॉलिन तो क्योंकि पिस्टल में ए प्लस बी प्लस सी है और पॉलिन में भी ए प्लस बी प्लस सी है तो केमिकल कंपोजिशन आर सिमिलर देन दिस पॉलिन इज कंसीडर द राइट टाइप राइट टाइप इसे पॉलिन कहेंगे और किसके लिए राइट right टाइप है इस पिस्टल के लिए राइट right टाइप है देन दिस पिस्टल इज एक्सेप्टेड जैसे पॉलिंग इसके ऊपर आएगा तो ये पिस्टल इसे एक्सेप्ट करेगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट पॉसिबल हो पाएंगे अगर मान लीजिए कि इसमें अब ए प्लस बी प्लस सी नहीं है इसमें अब डी ई e और एफ है तो यहां पे देख रहे हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन इज नॉट इक्वल टू द पिस्टल एंड पॉलिन तो दिस इज नाउ दैट टाइम दिस दिस पॉलिन इज कॉल्ड रॉन्ग टाइप अब इसे हम रॉन्ग टाइप कहेंगे और रॉन्ग टाइप पॉलिंग उसके ऊपर स्टिक नहीं हो सकता है और फर्दर पोस्ट पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि आ, जो पिस्टल होता है दे आर अप ऑफ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड ओव्यूल एंड दिसन इफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द पिस्टल इज सिमिलर टू द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉलन अगर केमिकल कॉम्पोजिशन पिस्टल का और पॉलिन का बिल्कुल बराबर हो तो उस पॉलिन को उसके लिए राइट टाइप होगा और वो इजी यहां पे स्टिक होके फर्दर पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट कर सकता है अगर ये पॉलन के अंदर केमिकल uh, कंपोजिशन ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है पिस्टल से तब उस टाइम ये रॉन्ग टाइप होगा और रॉन्ग टाइप कभी भी यहां पे स्टिक नहीं हो सकता है सो दिस इज कॉल्ड पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन एंड दिस इंट्रेक्शन इज रिसेंटली डेवलप बाय द बॉटनिस्ट एंड यहां पे देख रहे हैं कि दिस पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकोगनाइज पॉलिन वेदर इट इज राइट टाइप और रॉन्ग टाइप ये राइट टाइप है रॉन्ग टाइप है सो इफ द पॉल इज राइट टाइप अगर राइट right टाइप है क्यों राइट right टाइप है क्योंकिर है पिस्टल का देन इट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड बाय द पिस्टल एंड प्रोमोट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट एंड द लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड दिस एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन बाय द पिस्टल क्योंकि पिस्टल ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट करती है इट ड्यू टू द केमिकल प्रेजेंट एट द पिस्टल एंड पॉलन सो इफ द सेम कॉम्पोनेट ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन द पॉलन ट्यूब और पॉलन ग्रीन बेसिकली होना चाहिए एंड द पिस्टल एक्सेप्टेड पॉलन अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देगी एंड दिस इज न्यूली बाय द न्यूलीप्टेपन बॉटनिस्ट इन रिसेंट ईयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इफ द दॉल जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा जैसे पूरा हमारा वो है फीमेल पार्ट है तो यहाँ पे जैसे जर्मिनेट होगा पॉलन ट्यूब बन जाएगा मैं अपने पुरानी वीडियो में बताया है कि पॉलन ट्यूब किसका मॉडिफिकेशन है तो पॉलन ट्यूब इज मॉडिफिकेशन ऑफ इन तो जो लेयर आ, आ, लेयर ग्रीन, ग्रीन का लेर होता है पॉलन ट्यूब एंड दिस पॉलन ट्यूब कैरी द मेल गैमिट तो अगर आपने वो वीडियो को मिस कर दिया है तो उसे प्लीज देखें तभी आपका एक कंसेप्ट बन पाएगा एंड जेनरेटिव सेल डिड ये मैंने भी पुरानी वीडियो में बताया जेनरेटिव सेल डिड टू फॉर्म अ टू मेल गैमिट

Uh, it is a act by which uh, breeding with one variety of the plant to the another variety of plant. Artificial कर रहे हैं हम जैसे naturally क्या होता है कि suppose मान लीजिए flower है और कोई male part है और कोई female part है तो male और female part है तो इसमें अपने आप ही इसका पॉलिन grains इसके ऊपर जर्मिनेट होगा और फर्दर pollination होगा बट मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये ना हो किसी दूसरे के ऊपर पॉलिन grains जाए जैसे आप जानते होंगे कि वाइट रोज होता है रेड रोज होता है पिंक रोज होता है तो डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रोड्यूस होते हैं इट इज ड्यू टू द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सो इसमें हम क्या करते हैं कि इस मेल पार्ट को निकाल लेते हैं यहां से और इसको हम दूसरे किसी प्लांट पे स्टिक कराएंगे सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज बोथ प्लांट्स और एनिमल्स हम एनिमल्स में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एनिमल्स में ये होता है तो इसके दो पार्ट होते हैं इम्पोर्टेंट फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम एंड इट कंसिस्ट ऑफ इमेस्कुलशन और बैगिंग इसके दो पार्ट होते हैं इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि फ्लार से अगर मैं मेल और फीमेल पार्ट है दोनों अगर मेल पार्ट को यहाँ से निकाल लू तो दैट इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन सो द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट दैट इज एंथर फ्रॉम द फ्लॉर टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन तो हमने क्यों निकाला क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो फिर उसका इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा करेक्टर इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे तो इसकी वजह से हमने क्या किया कि इसको यहां से निकाल दिया निकालते ही जैसे हमने पोलिंग ग्रेन्स को जैसे निकाला तो उसे इमिडिएटली पेपर प्लास्टिक और बटर पेपर से उसे कवर कर देंगे क्यों कवर करेंगे ताकि कोई बाहर में एयर में कोई पॉलिंग ग्रीन से इससे कॉन्टामिनेट ना करे इसका नेचर खराब ना हो जाए या हम दूसरे टर्म में ये भी समझ सकते हैं जो फीमेल पार्ट बचे उसको भी हम कवर कर देते हैं ताकि कोई दूसरा अनवांटेड चीज ना आए इसके ऊपर और इसे पॉलिनेट ना कर दे हम अपने डिजायर वाले पॉलिंग ग्रेन्स को इसके ऊपर डालेंगे सो दिस इज बैगिंग तो बैगिंग इज इमेस्कुलेटेड पार्ट जो कि हमने यहां से निकाला है दे आर इमिडिएटली कवर बाय द कवर विद द पेपर प्लास्टिक और पॉलीथिन बैग उसे पॉलीथिन बैग से कवर कर देंगे कवर क्यों कर रहे हैं क्या की कंटामिनेट से दूर है सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम द कॉन्टामिनेशन ऑफ द फॉरन पॉलिंग जो एटमोस्फेयर में फॉलिंग uh, uh, ना हो पाए इसलिए ये जरूरी है यहाँ पे उसे बैगिंग करना अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और क्या होता है फर्टिलाइजेशन सो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर बाय स्टार बर्गर जो बर्गर आप खाते होंगे उन्होंने डिस्कवर किया है द प्रोसेस ऑफ फ्यूशन ऑफ मेल गैमिट विदीमेल गैमिट दैट इज एक्ट टू फॉर्म जाय इज कॉल फर्टिलान ये जो डिफिनेशन है प्लांट हो या एनिमल हो सब में सेम होता है तो मेल तो, गैमेट जो होता है कहाँ से आया मेल गैमेट मेल गेमिट इज ड्यू टू द जनरेटिव सेल्स ये मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया है कि जनरेटिव सेल से मेल गेमिट आया है आखिर ये जनरेटिव सेल कहा आया है कहां से आया है तो जनरेटिव सेल इज ऑफ न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस तो पॉल इन ग्रीन का न्यूक्लियस तो ये हम फिजोलॉजी पढ़ते हैं इसका कंसेप्ट आपको बनाना पड़ेगा हर चीज याद नहीं करना होता है तो आप दो तीन बार पूरे जो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का वीडियो डाला है दो तीन बार बारी बारी से देखते हैं तो अपने आप एक आ, एक अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो सकता है आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर आप कोई मूवी ले लीजिए मान लीजिए मैं बात करता हूँ थ्री इडियट के बारे में तो थ्री इडियट को आपने तीन चार पांच बार देख लिया होगा तो आपको आगे वाला जैसे कोई आमिर खान कुछ आगे एक्ट कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा इसके आगे ये होना है इसके आगे ये होना, होना है ऐसे ही होना चाहिए पढ़ाई भी आप इस वीडियो को तीन चार पांच बार चला के देखिए और आपको पता चल जाएगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये आना है इसके बाद ये होता है इसके बाद ये होता है तो रिपीटेशन इज की सक्सेस रिपीटेशन आप किसी भी चीज को रिपीटेशन में लाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कोई दिमाग देनेस कहते हैं बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आप बताएं कि हम अपने मेमोरी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं देखिए इनहांस मेमोरी को इन्हांस करने का एक ही तरीका है रिपीटेशन बार बार चीजों को सुनना समझना पढ़ना यही मेमोरी का एक तरीका होता है ठीक है कोई मतलब बहुत रेयर केस है तो बिंगा डॉक्टर मैंने आज तक ऐसा केस देखा नहीं है आ, कि मतलब कहते हैं कि उसका जो ब्रेन है बहुत शार्प है वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और जिंदगी में बहुत आगे करेगा और दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं कि ये बच्चा जो है जिंदगी में आगे कुछ नहीं करेगा और ये बहुत याद नहीं कर पाता है इसका ब्रेन बहुत पुअर है बेकार है तो ये कहना बहुत गलत है क्योंकि हम सब का ब्रेन का जो आ, वो होता है पावर होता है कैपेसिटी होती है ऑलमोस्ट बराबर होती है अनलेस और अंटी यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम द एनी इलनेस लाइक बहुत सारे साइकट्रिक इलनेस होते हैं लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डिस एंड सो मैनी साइकोटिक डिजीज होते हैं तो मेरे हिसाब से तो आप खाना कभी भूलते नहीं है आ, कभी आप खेलना कभी नहीं भूलते हैं मम्मी पापा का नाम कभी नहीं भूलते हैं अपना एड्रेस अपना मोबाइल नंबर नहीं भूलते हैं इसका मतलब आपका ब्रेन ठीक है फर्क ये है कि इसे राइट डायरेक्शन में काम कराना है राइट डायरेक्शन में काम करने का तरीका ये है कि रिपीटिशन बारमवार चीजों को पढ़ो हमें मंत्र कैसे याद होता है आप अपने मम्मी पापा का नाम कभी याद करते हो क्या कभी अपना नाम याद करते हो क्या नहीं करते हो क्यों क्योंकि आपने इतनी बार फॉर्म भरा है इतनी बार अपने मम्मी पापा का नाम लिखा है अपने लाइफ में कि मतलब उसे याद करने की जरूरत ही नहीं है मतलब यही है कि आप फर्टिलाइजेशन आप पूरे बायो को इतनी बार पढ़ लो कि तुम भूलोगे ही नहीं मतलब ही नहीं होता भूलने का मतलब बार बार चीजों को पढ़ना ही आपके मेमोरी को एनहांस कर सकता है आपको इंटेलिजेंस बना सकता है और कोई तरीका नहीं है सो बार बार पढ़ना है सॉरी बीच में मैंने आपको इंटरक्ट कर दिया सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज दैट इज फीमेल इज कॉल फर्टिलाइजेशन एंड दे अकर इन एम्ब्रियोसेक क्यूंकि एम्ब्रियोसेक के अंदर ही हमारा न्यूक्लियस होता है इसलिए एम्ब्रियोसेक uh, में ही होता है अब डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई नवास्टिन Uh, in Lilium and fertile लीलियम एंड फ्रीटुलरिया प्लांट लीलियम और फ्रिटेरिया प्लांट इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया है डबल फर्टिला इम्पोर्टेंट है यह आएगा नेक्स्ट uh, हम डिस्कस करते हैं द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमिट एक मेल गैमिट जो होगा एग के साथ फ्यूज होगा और ये जाइगोड बनाएगा और uh, दूसरा मेल गैमिट जो होगा सेंट्रल सेल से फ्यूज होगा क्योंकि मैंने सेंट्रल सेल बनाया था यहां बीच में सेंट्रल सेल होता है सो द वन द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग टू फॉर्म अ अट एंड द फ्यूजन ऑफ अनदर मेल गैमेट विद द पोलर न्यूक्लाई एंड सेंट्रल सेल टू फॉर्म अ अंडोसफॉम दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन दिस इज एक्सैक्ट डेफिनेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट टू एग टू फॉर्म जयगोड और अनदर मेल गैमेट टू फ्यूज अ पोलर न्यूक्लाई और सेंट्रल सेल टू फॉर्म अंडोस्पैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन तो डबल फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ दिनी सिन्गामी मतलब ह्यूमन बींग में भी होता है द मेल गैमेट फ्यूज फीमेल गैमेट टू फॉर्म जयगोट एंड जायोट फर्दर फॉर्म द एम्रियो एंड ट्रिपल फ्यूजन द मेल गैमेट इज फॉर्म फ्यूज विद्रल से टू फॉर्म अ प्राइमरी एंडोस्पॉर्म न्यूक्लियस एंड प्राइमरी सेल एंड फाइनली बनाता है तो अगर आप ट्वेल्थ क्लास में हैं अगर डबल फर्टिलाइजेशन आता है तो ऐसे आपको डिफिनेशन लिखना है और ये पूरा ऐसा लिखना है तभी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं तो ये पूरा लिखना है हम अगले वीडियो में देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं और वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का और मतलब इम्पॉर्टेंट तो है ही है कि आ, कि आपको समझना है कि एंडोसपम कैसे बनता है एम्ब्रियो कैसे बनता है सीड कैसे बनता है फ्रूट कैसे बनता है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स व्हाट्सअप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें इस वीडियो को ताकि सबका भला हो सके यही मेरा मोटिव है थैंक यू सो मच